नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। टेकी और क्रिएटिव लोग एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तब इमर्सिव एक्सपीरियंशियल टेक्नोलॉजी को आकार मिलता है और इनकी मेहनत का फल देखने वाले अचंभित, विस्मयकारी और अविश्वसनीय अनुभवों में डूब जाते हैं। इमर्सिव टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के इस्तेमाल से टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को मिलाया जाता है, यानी फिजिकल वर्ल्ड से सिम्युलेटेड रियलिटी के मेल से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। गूगल, फेसबुक का मेटावर्स और ओपन एआई, ये दिग्गज इंटरनेशनल कंपनियां इमर्सिव टेक्नोलॉजी में बड़ा काम करने लगी हैं। लेकिन सिर्फ ये टेक जायंट्स ही नहीं, बल्कि भारत के भी स्टार्टअप्स इस स्पेस में काफी अनोखा काम करते दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक है टैग बिन, जिसकी शुरुआत साधारण होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स के साथ हुई, लेकिन आज कंपनी एआई और एआर की मदद से अयोध्या के रामकथा म्यूजियम को भी रीडिजाइन कर रही है। इस एडवांस टेक स्पेस में अर्ली एंट्री ले चुका ये स्टार्टअप्स आगे क्या कुछ कर सकता है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आइए देखते हैं। आईआईटी रुड़की में बीटेक की पढ़ाई में इमर्सिव टेक पर रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते वक्त सौरभ भाईक ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस स्पेस में शुरू किया उनका स्टार्टअप टैगबिन एक दिन भारत के कल्चर का प्रचार प्रसार टेक्नोलॉजी के जरिए करेंगे। इनके काम पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में फिजिटल यानी फिजिक्स और डिजिटल के मेल से बना एक्सपीरियंस हो, या इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस होलोग्राम का ट्रांसमिशन, हर घर तिरंगा अभियान का डिजिटल एप्लीकेशन, या G20 समिट में बना डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, कुतुब मीनार पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो हो, या शहीदों को दी डिजिटल श्रद्धांजलि। सरकार के साथ मिलकर टैगबिन ने किए इमर्सिव टेक के ये प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो 2013 से लेकर आज तक हमने मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स किए हैं। कुछ आपको अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, जो कि पहला डिजिटल इमर्सिव म्यूजियम है जिसमें सारी इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई है, फ्रॉम होलोग्राम, एआर, वीआर, और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोगों ने आज तक विज़िट किया है। रिसेंटली हमने नीति आयोग के साथ एक प्लानिंग सेंटर बनाया है जिसमें एआई हमने यूज़ किया है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट का डेटा है उन सब डेटा को हमने एक प्लेटफॉर्म में लाया हुआ है और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो बेसिकली जब भी पॉलिसीज़ बनती है तो कई करोड़ों का उसमें खर्चा होता है, और वो पॉलिसीज़ अगर बिना डेटा बैक्ड होती है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, जो कि अल्टीमेटली टैक्स पेयर के मनी से होता है। सो नीति आयोग, जो कि एक प्लानिंग एपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इमर्सिव रूम बनाया है जहाँ पे गवर्नमेंट का सारा डेटा को आप लिंक करते हो और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग बनती है। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके आउटपुट से लोग काफी इम्प्रेस हुए और इन्हें काफी पसंद भी किया जा रहा है। सरकार इमर्सिव टेक का इस्तेमाल अब भारतीय संस्कृति, परंपरा, पौराणिक और आध्यात्मिक कथा कहानियों के प्रसार प्रचार करने के लिए करने जा रही है, जिस पर फिलहाल टैगबिन काम कर रहा है। अभी हम अयोध्या में एक म्यूजियम बना रहे हैं जो कि पूरी रामायण पे है। तो लोगों ने रामायण टीवी में देखी है, लोगों ने रामायण पढ़ी है, तो पहली बार इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप रामायण को जी पाएंगे। हमने अभी रिसेंटली एक गीता का भी सेम एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। आप हम सब ने महाभारत देखी है, तो पहली बार आप महाभारत के को एक्सपीरियंस कर पाएंगे लाइव, बिकॉज ये जो इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ है ये आपको एक्सपीरियंस देती है। मतलब हम एक जो हमारा विजुअल एक्सपीरियंस होता है उसके अलावा आपको एक 3D एक्सपीरियंस देती है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन तक सीमित नहीं है। इमर्सिव टेक को कई अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल में लाने पर काम जारी है। आने वाले समय में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों में इमर्सिव टेक देखने को मिल सकेगा। एक तो हम डिफेंस में बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, तो VR के थ्रू आप जो वॉरलाइक सिनेरियोज हैं उनको सिमुलेट कर सकते हैं। ड्राइवर, बी इट एयरक्राफ्ट पायलट, बी इट अ फाइटर जेट पायलट,
इन सब को अगर आपको सिमुलेशन के थ्रू लाइक नो ट्रेनिंग देनी है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। सारी इंडस्ट्रीज़ में धीरे धीरे जो भी हम पहले टू डायमेंशनल लैपटॉप या स्क्रीन में देखते थे, वो सारा का सारा थ्री डायमेंशनल होने वाला है। तो हमारा जितना भी वेबसाइट है वो सारी थ्री डायमेंशनल होने वाली है, और उसके लिए हमारा लैपटॉप लाइक ऑन अब डिवाइस नहीं रहेगा, हमारा स्पेक्टिकल जैसे एप्पल विजन प्रो का है वो हमारा डिवाइस बन जाएगा, और जिस हम एनवायरनमेंट में हम सब कुछ उसमें इमर्सिवली देख सकते हैं। समय से पहले भविष्य के ट्रेंड भाप कर बिजनेस खड़ा करने वालों को चकाचौंध कामयाबी चखने को तो जरूर मिलती है, लेकिन अर्ली स्टेज में कारोबार सेट करते समय आने वाले चैलेंजेस भी पहाड़ जितने बड़े होते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे बायर्स हैं उन्हीं का ही एक रिस्क फैक्टर होता है कि उनको इस पे विश्वास होना चाहिए। आज तक दुनिया में कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, और लोग लाइक उन्होंने कैसे उसको पहली बार इस्तेमाल करें। सो मुझे लगता है कि हमारे जो अर्ली ऑन इन्वेस्टर्स थे और हमारे क्लाइंट्स थे, उन्होंने हम पे विश्वास किया था स्टार्टिंग में। अगर आप हमारा टर्नओवर देखेंगे और ग्रोथ देखेंगे, तो लास्ट 3 सालों में जो हमने ग्रोथ किया है वो 5 times, 10 times है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले इनिशियली 5-6 सालों में किया था। तो पहले के 6-7 साल बहुत सारा R&D रहा, हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिल्ड किया, हमने VR पे बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखी जिनको हम आज की डेट में इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। शुरुआती दिनों में टेक्नोलॉजी बिल्ड करना, फंड मैनेज करना, टीम बिल्डिंग और मार्केट एक्सेप्टेंस में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही टैगबिन ने पिछले 3 सालों से तेज दौड़ लगाना शुरू किया है। इस साल कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट पार करने जा रही है। इन्वेस्टमेंट तो हमने जिंदगी में एक ही बार ली है, एंजल इन्वेस्टमेंट, जो की बिल्कुल स्टार्टिंग में ली थी। उसके बाद सिंस हम सर्विस कंपनी है, और सर्विस कंपनी का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल रहता है कि आप जितना बर्न करो उससे ज़्यादा आपको कमाना है। तो ये जो बेसिक फंडामेंटल बिजनेस का हम कभी नहीं भूले, और जो भी इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्टिंग में ली है, हमने वी हैव एक्चुअली बॉट बैक द इन्वेस्टर, और अब हम फाइनली एक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट के लिए पब्लिक मार्केट में जा रहे हैं इस साल। शुरुआती दौर में मिडिल ईस्ट बेस्ड क्लाइंट के साथ काम करने के बाद टैगबिन ने भारतीय सरकार के साथ मिलकर शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम किया। यहां उभर रहे मौके देखते हुए पिछले 4 सालों से कंपनी का फोकस पूरी तरह से भारत पर शिफ्ट हो चुका है। कल्चर के अलावा आने वाले समय में हर सेक्टर में AI, AR और VR टेक का इस्तेमाल होगा, यानी अब AI हमारी रोजाना की जिंदगी में शिरकत करने जा रहा है। इस टेक रेवोल्यूशन में टैगबिन जैसी कई नई कंपनियों के लिए मौके उभर रहे हैं, लेकिन अर्ली एंट्री का सबसे ज्यादा फायदा तो पायनियर्स को ही मिलेगा। कल्पिता पारकर, गुड़गांव। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात एक ऐसे फाउंडर से होगी जिसकी कंपनी में AM नायक, जी हाँ, L&T के पूर्व चेयरमैन ने लगाए हैं पैसे। बातचीत होगी आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। मधु केला, उत्पल सेठ, ये कुछ ऐसे दिग्गज नाम हैं जो शेयर बाजार के कॉन्टेक्स्ट में आए दिन सामने आते हैं, इनकी बातचीत खूब होती है। लेकिन आज आवाज एंटरप्रेन्योर में इनके नाम मैं क्यों मेंशन कर रही हूं? इसकी वजह यह है कि ये दिग्गज निवेशक आजकल स्टार्टअप्स में भी बड़ा पैसा लगाने लगे हैं। मधु केला, उत्पल सेठ के साथ L&T के पूर्व चेयरमैन AM नायक ने मैसूर की मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग फर्म S3V वैस्कुलर टेक्नोलॉजीज में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। S3V वैस्कुलर टेक की खासियत ये है कि ये न्यूरो वैस्कुलर डिवाइसेस बनाती है जो स्ट्रोक के इलाज में काम आते हैं। कंपनी के फाउंडर बद्री नारायण से मैंने बात की। बद्री जी, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस फंड रेज। आई बिलीव 300 करोड़ आपने रेज किए हैं, तो प्राइमरी प्रीमाइस क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, आपको इस समय 300 करोड़ की जरूरत क्यों पड़ रही है? जो कॉमन मैन होता है उसको भी ये हक होता है कि उसको भी द बेसिक नेसेसिटीज मिलना चाहिए, और जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ता है सो टेक्नोलॉजीज भी बहुत इम्प्रूव होते रहता है जी।
लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हेल्थ केयर में अपन डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, कर सकते हैं कि आपके पास पैसा है तो आप एस क्लास का कार खरीदें, तो वो जो प्रोडक्ट का सेफ्टी एंड एफिकेसी जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो तो कॉमन होता है। तो वो हिसाब से जो फोकस था और जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो विज़न था कि हम ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एक कॉमन आदमी तक लेके जाना पड़ेगा, तो ये हिसाब से हम लोग ए फंड रेस का कंप्लीट किए। पहले आप हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए अगर ये समझा सके, S3V मैंने कहा तो है मेडटेक कंपनी है, लेकिन एग्जैक्टली किस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं? मैं कहीं पढ़ रही थी कि आप प्राइमरली स्ट्रोक से निपटने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्या कार्डियोवास्कुलर पर भी आपकी नज़रें हैं? क्या कर रही है कंपनी आजकल? सो हमारा फोकस तो कोर एरियाज में होता है और हम अब 4 कोर एरिया में काम कर रहे हैं। पहला तो डेफिनेटली ब्रेन था, न्यूरो डिवाइसेस का था, क्योंकि भारत में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसका प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे लोग। और दूसरा हमारा फोकस एरिया है कार्डियोलॉजी। केवल तो आज का जो टेक्नोलॉजी है वो एक प्लेटू आ गया है और एक रोड ब्लॉक आ गया है। सो उसका जो अपन डेवलपमेंट करने का है, वी नीड टू कम आउट विद प्रोडक्ट्स वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप करंट जनरेशन रेगुलेटिंग स्टेंट्स का बात करेंगे तो रिस्टेनोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा 2 साल में हमारा 2 प्रोडक्ट आने वाला है जो अहेड ऑफ द कर्व होगा। से हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में नई बात कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग जो टेक्नोलॉजी इंडिया में लोकली डेवलप कर रहे हैं, हम लोग ये बताना चाहेंगे कि दी अदर नेशंस को कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग ने हम लोग पेशेंट को क्या ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एरिया हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ड्रग डिवाइस कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ये फ्यूचर होता है। और हमारा जो प्राइस पॉइंट रहेगा, ये स्ट्रेटजी होगा कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और डेफिनेटली फोर्थ चीज़ होता है स्पाइन होता है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है और लो बैक पेन तो बहुत कॉमन हो गया है, और इसमें हम लोग देख रहे थे कि पूरा ओपन सर्जरी होता है एंड ओपन सर्जरी से बहुत कॉम्प्लिकेशंस होता है। सो हम लोग एक प्रोडक्ट को नेक्स्ट 6 मंथ्स में लॉन्च कर रहे हैं जो स्टिचलेस प्रोसीजर में यूज़ हो सकता है, जो पेशेंट को एनेस्थीसिया भी नहीं ज़रूरत है और उसको एंडोस्कोप से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वो सिंपल डिवाइस होता है एंड एक 3-4 घंटे में पेशेंट घर जा सकता है। वाव, स्टिचलेस इज कंप्लीट, इट विल बी अ गेम चेंजर इस पूरे बिजनेस में। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि प्राइस डिफरेंशिएशन होता है। अब जब तक जहाँ तक लोगों का एक आम आदमी का एक्सपीरियंस है कि अज्यूमिंग कोई पेशेंट पहुँचता है किसी हार्ट अटैक के चलते हॉस्पिटल में, आपको फिर कहा जाता है कि आपके पास XYZ विकल्प है, इसमें से आपको कौन सा स्टेंट लगाना है ये बताइए, XYZ इंजेक्शन है आपको इसमें से कौन सा लगाना है ये बताइए, और वो प्राइस पर ही डिसीजन लेने को कहा जाता है। अब आपकी टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर, सबसे यही सबसे बड़ी दुविधा होती है, आप पहुंच तो गए हैं, आपको पता है डॉक्टर आपका इलाज करेगा, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा स्टेंट लेना है या कौन सा इंजेक्शन लगाना है। क्या आपकी टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर दुविधा को आसानी से और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने में मदद करेगी? नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं इसमें आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। इसमें ये नहीं बोलेंगे कि हाई एंड लो एंड मिड एंड नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सेफ्टी एंड एफिकेसी होता है वो तो सेम होता है, वो स्टैंडर्ड होता है। अगर वो USFDA का रहने दो, SE सर्टिफिकेशन का रहने दो और इंडियन अप्रूवल का रहने दो, इसमें 2 स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते हैं, एक ही स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो परसेप्शन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए आपका जो रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा इंडियन कंपनीज को करना पड़ेगा। एंड ये जो ये रिस्क को हाउ डू वी कम आउट ऑफ द रिस्क के लिए, अगर आप देखिए हमारा जो अब ब्रेन का स्ट्रोक के लिए हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी किट लॉन्च करने वाले हैं, हमारा स्ट्रेटजी ये क्लियर था कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी उसको 10 गुना हमारे कॉस्ट से बेच रहा है और हम अगर सोचेंगे कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के
आयुष्मान भारत में फिट करने का है, तो पहला ब्रेन में जो आएगा कि अरे क्या ये क्वालिटी सेम होता है, तो वो हिसाब से हम लोग जो नया फैक्ट्री बनाने वाले हैं उसको USFDA डिज़ाइन के हिसाब से होगा और ये प्रोडक्ट USFDA 510K फाइलिंग के लिए होगा। और दूसरा चीज़ होता है जो इंडियन कंपनीज फोकस करना पड़ेगा और जो हमारा फंड रेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग डेटा बहुत जनरेट करना पड़ेगा। इंडियन कंपनीज हैव टू इन्वेस्ट इन एनिमल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड ये जो डेटा हम बनाएंगे वो बहुत रोबस्ट होना चाहिए। आप किस तरह के हॉस्पिटल पार्टनरशिप्स में उतरते हैं, कितने बड़े हॉस्पिटल्स आपके प्रोडक्ट को लेने को तैयार है? एंड दैट्स बीन अ बिट ऑफ अ डेटरेंट इन द ओवरऑल मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री कि आपने बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बना लिया लेकिन कोई बड़ा अस्पताल आपके प्रोडक्ट को रखता नहीं है। इसके लिए आप लोग किस तरह के अस्पतालों के साथ टाई अप कर रहे हैं, उस पर कितना जोर दिया जाएगा? सो सबको स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है। सब लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब मिलके टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होता है। जी हाँ। सो वेदर आप अपोलो के बारे में बात कर सकते हैं, नहीं तो मणिपाल के बारे में बात कर सकते हैं। आई थिंक एवरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल उनको माल पता है कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाला है वो अफोर्डेबल होना चाहिए, एंड उसके लिए उन लोग पार्टनरशिप करने के लिए बहुत रेडी होते हैं। ओके, तो जब आप कहते हैं अफोर्डेबल, व्हाट डज अफोर्डेबल मीन? वो प्राइस पॉइंट पर इवेंचुअली कितना डिफरेंस आ जाता है जो इस समय आप जैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, और जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा हाउ अफोर्डेबल विल इट बी, हाउ व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द प्राइस पॉइंट? द प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि अगर 80% ऑफ द मार्केट ए सेगमेंट में होता है गवर्नमेंट रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम में, तो आपका डिवाइस का प्राइसिंग वो पर्टिकुलर रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम को फिट होने के लिए करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं कर सकते कि कोई अगर 100 रुपये में बेच रहा तो मैं 20% उसको डिस्काउंट करके बेचूंगा, नहीं हो सकता है। सो वी अवर सेल्स, द इंडस्ट्री अवर सेल्स हैव टू बी वर्किंग टूअर्ड्स, अगर वो रीएम्बर्समेंट प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए वेयर 80% लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को कितना लेवल तक ले जाना पड़ेगा वो हिसाब से सक्सेस आएगा। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में सालों से हैं, ये बताइए कि कितना एवोल्यूशन हम देखेंगे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में जो आप इस समय ला रहे हैं, बिकॉज अभी तक धारणा थी दैट द वेस्ट और यूरोप हैज़ बीन 2 स्टेप्स अहेड ऑफ अस, बट ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्या भारत में एक बहुत बड़ा मार्केट है आप जैसी कंपनियों को फ्लरिश करने के लिए, इसीलिए शायद इतने बड़े निवेशक आपको बैक कर रहे हैं? नहीं, एवरी इंडस्ट्री को एवरी रीजन में एक लाइफ साइकिल होता है। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री के बारे में देखें तो 1980s-90s में वो ग्रोइंग फेज में था, तो मैं तो मेडिकल डिवाइस को वो फेज में अब देख रहा हूँ, एंड अब से इट बी ए फास्ट स्टीप राइज होगा, क्योंकि अब इंडियन इंडस्ट्री देख लिए कि इंडिया ही बहुत बड़ा मार्केट है। 2 थिंग्स साइमल्टेनियसली हो रहा है, इंडस्ट्री भी मैच्योर हो रहा है कि मैं एडवांस प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा। अगर मैं सिरंजेस और मैं आईवी सेट के बारे में रहूँगा तो ग्लोब द वर्ल्ड विल नॉट लुक इनटू मी वेरी सीरियसली। सो इंडस्ट्री भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। नंबर 2, गवर्नमेंट भी बहुत फोकस कर रहा है, स्पेशली 2014 के बाद 10 सनराइज इंडस्ट्री में मेडिकल डिवाइसेस को लाया गया, एंड अब बहुत फंडिंग भी आ रहा है, एंड जो रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस का जो मॉडिफिकेशंस हो रहा है उससे हम लोग ग्लोबल डिवाइसेस के हिसाब से हम लोग बेंचमार्क करेंगे। भारत में फिर आपके लिए मार्केट किस तरह के रेवेन्यूज जनरेट करेगा कि आप आगे चलकर, क्योंकि आप ऐसी फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं जो USFDA अप्रूव्ड होगी, विल इट आल्सो ओपन द डोर्स फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, वहाँ पर आप क्या एनविजन कर रहे हैं, किस तरह के रेवेन्यूज आ सकते हैं और कब तक? नहीं, एक हिसाब से मुझे दर्द लगता है कि जो मेरा रेवेन्यूज होता है ना वो किसी का दर्द से आ रहा है। लेकिन अगर अपन उसके लिए सिंपल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, एंड मुझे सबसे खुशी बात हुई कि आज जो एम नायक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, एक कॉमन मैन होता है ना ए इज देयर एवरीवेयर, कॉमन मैन इंडिया में ही नहीं है, सो यू हैव गॉट कॉमन मैन अक्रॉस। आप इंडोनेशिया लीजिए, इजिप्ट लीजिए, लैटिन अमेरिकन, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी देयर इज अ कॉमन मैन उसको जो ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज उसके रीच में नहीं होता है फॉर ए प्राइस पॉइंट। और दूसरा चीज होता है, आज उनका स्टेटमेंट था कि वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इंडिया भी दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को कर सकता है। तो वो हिसाब से आई थिंक
ये जो इंडस्ट्री है इट्स मैच्योरिंग अ लॉट, गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग इट अ लॉट, एंड जो इकोसिस्टम हो रहा है वो अच्छा बिल्ड हो रहा है. और एक 10 साल में मेरे ख्याल में इंडिया वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग हब. मिस्टर नारायण बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू. थैंक यू फॉर ऑल द एफर्ट्स इन. थैंक यू थैंक्स अ लॉट. इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. आपको हमारा शो कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.